सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजकुमार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टिकटॉक पर एक और नए ट्रेंड के बारे में, जो है कि टिकटॉक पर डबल एक्सपोजर वाला वीडियो जो है आप कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ अभी तक अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक है, इस पिक को आपको डाउनलोड कर लेना है जो है ब्लैक वॉलपेपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप गूगल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर गूगल पर सर्च करेंगे ब्लैक वॉलपेपर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, डायरेक्टली टिकटॉक एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं ऐसे टिकटॉक एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पर एक दूसरे नंबर पे यहाँ पर ऑप्शन मिला है डिस्कवर का। यहाँ पे देखिए पांचों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आपको डिस्कवर पर सिंपली से क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से डिस्कवर पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर डिस्कवर पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पर जैसे मैं डिस्कवर पर क्लिक किया, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है डायरेक्टली डबल एक्सपोजर। तो देखिए मैं यहाँ से डबल एक्सपोजर लिखकर जैसे ही सर्च करता हूँ, मेरे सामने जो यहाँ पर वीडियो यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से अभी सर्च होने देते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर डबल एक्सपोजर सर्च किया और यहाँ पर देख सकते हैं बीच में यहाँ पर लोडिंग अभी हो रहा है। तो अभी लोडिंग जो है यहाँ पर होने देते हैं। अभी देखिए मेरा लोडिंग जो है यहाँ पर हो रहा है। अभी देखिए मेरा वीडियो जो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो किसी भी वीडियो को क्या करना है, सिंपली से ओपन करना है। चलिए मैं ये वाला वीडियो ही यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं अभी साउंड को पूरा कम कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, नीचे देखिए अगर इस वीडियो को म्यूजिक ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर म्यूजिक वाला ऑप्शन मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है एडेड टू फेवरेट, तो इस पर ऐड टू फेवरेट आपको कर देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डबल एक्सपोजर का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली से डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पर डबल एक्सपोजर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 67 मिलियन वीडियो जो है इस पर बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए नीचे एक वीडियो का यहाँ पर साइन दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली से वीडियो पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ से वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से लोडिंग हो रहा है मेरा और मेरा जो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट फोटोज का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली से सिलेक्ट फोटोज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट फोटोज पर क्लिक करेंगे पर आपका डाउनलोडिंग होगा, फिर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, पहले ये ब्लैक वॉलपेपर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको यहाँ पर ले लेना है। पहले देखिए मैं यहाँ से ब्लैक वॉलपेपर चूज किया है, दूसरा आपको अपना फोटो चूज करना है। तो चलिए मेरा जो फोटो है यहाँ पर मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो मेरा इस एप्लीकेशन में मेरा यहाँ पर फोटो है, तो यहाँ पर चलिए मैं यही वाला फोटो यहाँ पर चूज करके ओके टू पर क्लिक कर देता हूँ। ऊपर देख सकते हैं ओके टू, यहाँ पर देखिए अभी मेरा जो प्रोसेसिंग वीडियो यहाँ पर यानी कि मेरा वीडियो जो यहाँ पर रेडी हो रहा है, तो अभी इसको रेडी होने देते हैं। तो देखिए मेरा वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम का यहाँ पर ऑप्शन मिला है, तो वॉल्यूम पर क्लिक करना है और वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद इसे पूरा कम कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर कम कर दिया, फिर यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है और म्यूजिक ऐड करना है जो आपको फेवरेट में किए थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक साउंड का ऑप्शन मिला है नीचे की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली इसे साउंड में चला जाना है और साउंड में जाते हैं आपको देखिए यहाँ पर एक सर्च म्यूजिक नेम यहाँ पर आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं अपना म्यूजिक जो फेवरेट होगा आपको, नहीं तो जो आप फेवरेट में सॉन्ग किए थे उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लोडिंग होने देते हैं। तो चलिए अभी लोडिंग यहाँ पर देखिए हो चुका है। यहाँ पर एक फेवरेट का ऑप्शन मिला है, तो सिंपली से फेवरेट में जाना है और जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग में किए थे वहाँ पर क्लिक करना है और टिक पर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दिया, फिर लोडिंग होकर मेरा म्यूजिक जो इसमें ऐड हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, फिर से दोबारा से वॉल्यूम में जाना है और इसे पूरा फुल कर देना है। फुल करने के बाद टिक कर देना है। फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक सिलेक्ट कवर का ऑप्शन मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली सिलेक्ट कवर पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सिलेक्ट कवर पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ये वाला जो बॉक्स है नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा आगे तरफ स्क्रॉल कर देना है, जिससे आपका यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थंबनेल के जैसे है, जैसे आप यूट्यूब पर थंबनेल अपलोड करते हैं उसी तरह यही है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हैशटैग वैशटैग लगा लीजिएगा आप और ये जो सेव टू एल्बम है इसे ऑन कर दीजिएगा।
ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वीडियो है यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर नीचे एक पोस्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली से आपको पोस्ट पर क्लिक कर देना। चलिए मैं पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरा ऊपर जो यहाँ पर वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर 16% 17% मेरा वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। तो देखा गया कितना आसान था वीडियो बनाने। वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।